अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं अम्मी कहाँ हैं? ये अच्छा सवाल है। अम्मी तुम्हारी बाजार गई हैं, रूही स्कूल गई है, समरीन और रुहेल जो है वो ऑफिस गए हैं, हिरा जो थी वो अभी हमारे पास थी उसे शायदा लेकर गई है। इतनी तफसील काफी? अब्बू आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खुश रखे। बात दरअसल ये है बेटा कि हम रिटायर्ड लोगों के पास ना खुश रहने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। खैर तुम कैसी हो? जमशेद मियाँ कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अब्बू, और जमशेद भी ठीक है। अब्बू आपको पता तो है जमशेद का, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की बजाय सिर्फ शॉर्टकट्स तलाश करता रहता है। अभी भी वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप के लिए भाग दौड़ कर रहा है, जिसके लिए उसको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। अब्बू मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि मैं रुहेल भाई से बात करूं। बेटा मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रुहेल मियाँ तुम्हारी वजह से जमशेद मियाँ की मदद करते रहते हैं, और उसको भी पता है कि रुहेल की नज़र में तुम क्या हो, तुम्हारी क्या अहमियत है, इसी बात का वो फायदा उठाते। अब्बू मैंने जमशेद को खुद किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था कि इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं है, वो तो मैं अपने साले से ले लूंगा, और कह रहा था कि मैंने कौन सा उसको वापस करनी है। वो हंस रहा था और मुझे देखकर उसने बात बदल दी। अबू आप रुहेल भाई को समझाएं प्लीज। मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूही कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। शमो तुम्हें जॉब की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर। अरे नहीं, तुम आओ हमारे साथ बैठो। अब अरे भाई ये कहाँ करेंगी कोई काम, नौकरी से थकी आई हैं। आप तशरीफ रखिए, आराम कीजिए। मैं हिरा को देखकर आती हूँ। ठीक है बैठो। मैं आज बैठा बेगम। मशकूर मियाँ का राम पूरियों पे किया हुआ तजिया कभी कभार 100% दुरुस्त साबित होता है। अरे बड़े भैया, इलाहाबादियों के लगाए हुए जख्म दिलों पर अभी तक याद है हमें। बात करेंगे तो दूर तक जाएगी, छोड़िए इन बातों को। और बताओ शमो कैसी है? मैं ठीक हूँ चच्ची। बहुत अच्छा कलर पहना हुआ, जच रहा है तुम पर, बहुत प्यारी लग रही है। और बताए अब्बू आप कैसे हैं? अल्लाह का करम बेटा,